लाइफ केयर नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आप सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों के त्योहार होली पर लाइफ केयर नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल लेकर आया है खास ऑफर, 25% की एडमिशन शुल्क पर छूट। यह ऑफर 15 मार्च तक के लिए ही है। आइए इस होली लाइफ केयर नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल का हिस्सा बने। दो दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश ने एक तरफ जहां किसानों की परेशानी बढ़ा दी है, कहते हैं कि इस बारिश से इस मौसम में लगने वाले फसल पर काफी बुरा असर पड़ने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आम के मंजर में इस झमाझम बारिश में फायदा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हाँ, इससे जरूर किसानों को नुकसान होगा। कहता है कि फसल जैसे गेहूं तो लगाते हैं लोग, अभी लगाए होंगे उनको थोड़ा नुकसान है, लेकिन जो आम का बगान जिनके पास होगा, आम का अभी सीजन आने वाला है, तो उनको कुछ फायदा इससे जरूर मिलेगा। VIP स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति की गई साइंस एग्जीबिशन, बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाकर दिखाया अपना हुनर। जब इस दौरान बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने अपनी मन की इच्छा बताई। किसी ने कहा मुझे इंजीनियर बनना है, तो किसी ने साइंटिस्ट बनने की इच्छा जाहिर की। इस तरह के कार्यक्रम से एक तरफ जहां बच्चों के बौद्धिक विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं, वहीं बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि भी बढ़ती है। जैसे शाम होगा अंधेरा होने लगा, लाइट स्मार्ट होने लगा, अंधेरा हो गया, रात का लाइट जल गया। बहुत अच्छा लगता है अगर छोटे छोटे बच्चे, हाँ छोटे छोटे बच्चे अगर अपने क्रिएटिविटी को अगर इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारे देश के लिए तो बहुत बढ़िया है। ऐसी तरह से जैसे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है आगे आ करके, और उनके नॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। किताब पढ़ते हैं अपनी जगह पर, शिक्षक पढ़ाते हैं अपनी जगह पर, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सी चीज़ हमारे दिमाग में कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम समझते हैं जो बच्चे सोलर सिस्टम बनाए होंगे लाइफ लॉन्ग अब नहीं भूलेंगे कि क्या है सोलर, है ना। जो इस तरह से इनकी नॉलेज की वृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी है, सारा प्रोजेक्ट होना चाहिए और अच्छे इस पर सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, छोटा छोटा चीज़ करें, इंगेजमेंट लगना चाहिए कि एवरीवन खुद से हमको लगे कि हम भी इसमें एक पार्टिसिपेंट हैं, ये जरूरत है। हम तो यही कहेंगे कि बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम लोग जो लगाए हैं एग्जीबिशन, इससे बच्चा बहुत उत्साहित होता है, उसमें जागरूकता आती है कि हमें भी कुछ करना है। जैसे हमारे यहाँ देखा होगा कि एक टेक्नोलॉजी नया, जैसे रेड लाइट जलेगा तो वहाँ पर वो रिंग घूमने लगेगा और कोई गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकेगा, तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इन बच्चों ने जो मेहनत किया है उससे एक संवाद जाता है समाज में कि लोग आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है, और हम उसमें एक पात्र बने हुए हैं जिसमें कि आगे लोगों को बढ़ाने में मदद करते हैं। गोड्डा के भाजपा विधायक अमित मंडल को सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से नवाजे जाने के बाद आज वह गोड्डा आए। गोड्डा में उनके समर्थकों ने जगह जगह उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गोड्डा कॉलेज चौक पर जहां गोड्डा विधानसभा के कार्यकर्ता और समर्थक इंतजार में पहले से वहां जुटे थे, वहीं उनके आते ही माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। स्थानीय अशोक स्तंभ पर एक कार्यक्रम आहूत कर उनका सम्मान किया गया। उसके बाद करीब 5 बजे संध्या पत्थरगामा की बड़ी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में ग्रामीणों के द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। विधायक अमित मंडल को माला पहनाकर तथा अंगवस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद विधायक अमित मंडल का स्वागत महागामा में भी राजमहल हाउस में महागामा विधानसभा के भाजपा इकाई के द्वारा किया गया। सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से नवाजे जाने के बाद पूरे जिले भर में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों में काफी खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि पूरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए ये गौरव का क्षण है। दरबार का आयोजन उप निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी गोड्डा विवेक सुमन के द्वारा किया गया, जिसमें जिले के दूरदराज के गांव से 17 लोगों ने आकर समस्याओं को लेकर आवेदन समर्पित किया। महोदय के द्वारा सभी की शिकायतों को बारी बारी से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। समाहरणालय स्थित सभागार में भारत के जनगणना 2021 हेतु दूसरे दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा संजय पीएम कुजूर एवं अनुमंडल पदाधिकारी महागामा हरिवंश पंडित के द्वारा प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महोदय के द्वारा जनगणना संबंधित संपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के अधिकारियों को जनगणना कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR 2020 के प्रपत्र को भरने एवं मोबाइल ऐप के जरिए भी डाटा अपडेट करने हेतु विस्तृत रूप से जानकारियां प्रदान की गई।